हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो गाइज आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, अच्छी खुशखबरी है। नीट यूजी की जो सीटें हैं वो इंक्रीज हो रही है। अब कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा। तो नीट यूजी मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ये वैकेंसीज ऐड होगी। तो गाइज ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, कट ऑफ, काउंसलिंग, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नीट यूजी सीट मैट्रिक्स जो बहुत पहले जारी हो चुकी है। सीट मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जिनमें स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, गवर्नमेंट सीटें कितनी है, प्राइवेट कितनी है, डीम्ड कितनी है, वो सब आपके जो है सीट मैट्रिक्स में जारी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब गाइज आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ क्या है, सीटें इंक्रीज़ हो रही है। और जो सीटें इंक्रीज़ हो रही है वो कौन से सीटें इंक्रीज़ हो रही है, कुछ तो जो पुराने कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के अंदर कुछ सीट ऐड की जा रही है, और कुछ न्यू कॉलेजेस जो बने हैं वो इस साल ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट तो रहेगा जिन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जो कॉलेज ऐड हुए हैं अभी जो ओपन होंगे, क्योंकि 85% जो सीटें होती है वो रिज़र्व होती है स्टेट कोटा के अंदर और 15% MCC। तो बेनिफिट तो वैसे सबको ही मिलेगा ओवरऑल, लेकिन MCC में बेनिफिट मिलेगा जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, जिनके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और स्टेट कोटा में जिनके कम मार्क्स हैं और वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। अब गाइज मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड वालों को बेनिफिट कैसे है ये मैं आपको बता दूं। 2021 का जब आप डेटा उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ कॉलेजेस जो न्यू कॉलेजेस हैं सीट मैट्रिक्स में ऐड नहीं हुए थे, राउंड वन राउंड टू की काउंसलिंग उन सीटों पर नहीं करवाई गई थी, लेकिन वो जो मॉपअप राउंड हुआ था मॉपअप राउंड के अंदर वो सीटें ऐड की गई थी, तो उनका जो बेनिफिट स्टूडेंट उठा पाए थे वो मॉपअप राउंड वाले स्टूडेंट ही उठा पाए थे। तो सेम केस अब यहाँ होने वाला है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स जो जारी थी उसके अकॉर्डिंग ही राउंड वन राउंड टू मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होना है, और जो आपका राउंड वन और राउंड टू की काउंसलिंग है वो होनी है। मॉपअप राउंड के अंदर ही सीटें जो है आपकी बढ़ाई जाएगी, तो जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है ये कि कम मार्क्स होने पर भी आपका जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो रिजल्ट गाइस आपका अगस्त एंड तक ही जारी होगा, उससे पहले बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो अगस्त ऑन एंड वीक में जारी होगा, या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आंसर की आपकी 18 अगस्त को आ जाएगी। उसके बाद 48 आवर्स मतलब 2 डेज का आपको टाइम मिलेगा ऑब्जेक्शन रेज करने का। उन पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। फिर भी अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।